आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर थ्री। पेपर थ्री का ये चैप्टर फाइव है और चैप्टर फाइव का ये भाग तीन है। भाग दो तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा वहां से भी देख सकते हैं। आज ये खिलजी वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिए थे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, बस उसके शासन प्रणाली के बारे में, केंद्रीय शासन प्रणाली के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, आर्थिक सुधार के बारे में, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में, ये सब हम लोगों को पढ़ना था। और खिलजी वंश कैसे समाप्त हुआ ये भी हम लोगों को पढ़ना था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी देखिए, अलाउद्दीन खिलजी था, इसके समय न्याय प्रणाली हो गए बहुत कठोर था, जो भी व्यवस्थाएं थी बहुत ही कठोर थी, ऐसा नहीं कि कोई उसका गलत इस्तेमाल कर ले या कुछ भी कर ले। अलाउद्दीन खिलजी अब समझिए, इसका कोई भी गलत उपयोग नहीं कर सकता था, अगर गलत उपयोग कर दिया तो समझ लीजिए कि बहुत ही दंड का प्रावधान बहुत ही ज़्यादा कठोर था। और तो इसने केंद्रीकृत शासन प्रणाली शुरू किया, और केंद्रीकृत शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा। केंद्रीकृत इससे पहले वाला हमें बताए थे, केंद्रीकृत शासन प्रणाली शासन का पूरा जो शासन की पूरी जिम्मेवारी है वो सुल्तान के पास होता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास शासन की पूरी जिम्मेवारी होती थी। साथ में शासन की पूरी जिम्मेवारी होने के साथ साथ इसने न्याय व्यवस्था भी अपने पास ही रखा था, सेना की जिम्मेवारी भी सब कुछ अपने पास ही रखा था। और जो जो भी, और एक बात, अपने विरोधियों का दमन बहुत ही कठोरता पूर्वक करता था। साथ में ही जो भी अमीरों का संगठन था, अमीरों का दल था, उनको तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। साथ में ही जो भी अमीर इसके विरोध में खड़े होते थे उन अमीरों का भी दमन ये कठोरता पूर्वक करता था। और ऊंचे पदों पर आम लोगों को, आम जनता जो थी, जो योग्य थे, उनको पहुँचाया ऊँचे पदों पर। अब ये पहुंचा कर कोई किसी पर एहसान नहीं कि आप ये मत समझिएगा कि इसने आम लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचाया तो कोई बड़ा एहसान किया, इसलिए पहुंचाता था कि उनमें योग्यता होती थी, आम लोग इसके नियंत्रण में रहेंगे। पहली बात, आम लोग अगर कोई भी बड़े पद पर पहुंचेंगे तो शासक के नियंत्रण में रहेंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा किया तो ये पहले तो शासन से हटाएगा, उसके बाद कठोर दंड देगा। और यही अमीर, अगर अमीरों को बैठा दिया जाए बड़े ऊंचे पदों पर तो अपने मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए इसने सबसे पहले क्या किया, कोई भी राजशाही परिवार या कुछ भी पाचार नहीं, इसका ये होता था कि जो भी योग्य व्यक्ति है उसको कहाँ पर बैठाया जाए, ऊंचे पदों पर बैठाया जाए। साथ में ये केंद्रीकृत प्रणाली के बारे में इसको समझ लीजिए कि आम लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाता था। ये बात ध्यान रखिएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें इसको लिखने का मतलब, केंद्रीकृत शासन प्रणाली के लिए जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सब लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। साथ में इसके थोड़ा सा न्याय व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसा था। न्याय व्यवस्था को इसने काफी कठोर बनाया था, अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए इसने न्याय व्यवस्था को काफी कठोर बनाया था। काफी कठोर इस तरह से होता था। और साथ में ये कौन सा नियम, पहले से जो चले आ रहे हैं वो नियम नहीं, कि पहले से जो नियम चले आ रहे हैं गुलाम वंश में, जो नियम चले आ रहे हैं उन नियमों का पालन कर रहा है। ये क्या करता था, न्याय के लिए जो भी उस परिस्थिति के अनुसार जो भी दंड का प्रावधान होता था वो दंड देता था, परिस्थिति के अनुसार दंड देता था। ऐसा नहीं बहुत ही कम दंड बहुत ही कठोर होता था। ऐसा होता था कि किसी पर भी संदेह होने पर, सिर्फ संदेह हो जाए कि वो अपराधी है तो उसको तो मृत्युदंड दिया ही जाता था। साथ में उसके सहयोगियों को भी क्या कर दिया जाता था, मृत्युदंड दे दिया जाता था। बताइए कोई अपराध करने की हिम्मत करेगा, नहीं करेगा, कोई सुल्तान के खिलाफ बोलता ही नहीं था। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बोल दिया या सुल्तान के खिलाफ कुछ भी कर दिया, समझ लीजिए मृत्युदंड उसको तो दिया ही जाता था, साथ में उसके सहयोगियों को भी मृत्युदंड देने का प्रावधान था। इतना ज़्यादा कठोर न्याय व्यवस्था इसका था। और न्याय की पूरी जिम्मेवारी किसके पास थी, इसी के पास थी, न्याय की पूरी जिम्मेवारी इसी के पास थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्याय व्यवस्था इसके देख लिए, ये सब याद करते जाइएगा, अब लिख कर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी इसको इस चैप्टर को ख़त्म करना है। न्याय व्यवस्था के बाद सैन्य प्रणाली
सैन्य प्रणाली में बहुत सारा बदलाव किया। इसने अपने सेना की संख्या में वृद्धि किया, अस्थाई सेना रखना शुरू किया। ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपना सेना को अस्थाई सेना रखा, ध्यान रखिएगा अस्थाई सेना रखने का प्रावधान किया। साथ में सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया, सैनिक को नगद वेतन। इससे पहले सैनिकों को जागीर दिया जाता था, इसने जागीर न देकर इसने नगद वेतन देने का प्रावधान किया। सैनिकों को क्या किया कि नगद वेतन सैनिकों को दिया जाए। साथ में ही सैन्य प्रणाली में अस्थायी सेना रखा, सैनिकों को इसने नगद इसने सैनिकों को वेतन देने का प्रावधान किया। गुप्तचर विभाग बहुत ही इसके अच्छे थे, गुप्तचर विभाग, क्योंकि देखिए किसी भी शासन प्रणाली में, हर शासन प्रणाली में आपको गुप्तचर विभाग चाहिए ही चाहिए। अगर गुप्तचर विभाग नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला आपका दुश्मन कौन सा प्लानिंग बना रहा है, क्या कर रहा है, कौन आप पर आक्रमण करने वाला है। कैसे सूचना मिलता था उस समय कि कोई बाहरी देश वाला आक्रमण कर रहा है, ये यहां से आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कैसे पता चलता था? गुप्तचर विभाग के कारण ही पता चलता था। तो इसके गुप्तचर विभाग बहुत ही ताकतवर था, ध्यान रखिएगा गुप्तचर विभाग। और सीधा किसको, ये किसके संपर्क में थे? सुल्तान के सीधे संपर्क में ये लोग थे। तो इसने इसके जो सैन्य प्रणाली थी इसके कारण भी और ज्यादा मजबूत हो जाती थी, ध्यान रखिएगा। और साथ में ही अब इसने क्या किया, सैन्य व्यवस्थाओं को, यानी कि सैनिकों को जो भर्ती था, वो भर्ती कैसे होता था? सैनिकों का भर्ती इस तरह होता था कि उसकी योग्यता देखी जाती थी। पहले ये साइड कर दिया जाता था कि आप किस जाति से है, किस धर्म से है, या आप राजशाही परिवार से हैं, या कौन सा परिवार से संबंध रखते हैं, ये सब अलग कर दिया जाता था। और आपको ठीक एक आम जनता की तरह आपको देखा जाता है कि आप में सैनिक बनने की योग्यता है तो ही सेना में भर्ती किया जाता था। और साथ में ही सेना में भर्ती करने के बाद उनका हुलिया लिखा जाता था, कि मतलब चेहरा का बनावट कैसा है, कि कोई दोबारा फिर ना आ जाए। दोबारा से आकर मान लीजिए 10 लाख सेना है, या 5 लाख सेना है, या 2 लाख सेना है, उसमें कोई दोबारा आ जाए तो कैसे उसको पहचान कीजिएगा? इस समय तो फोटो है, फोटो से पहचान कर लिया जाता था, लेकिन उस समय का फोटो है नहीं, तो इसलिए हुलिया लिखने की प्रथा यहीं पर चालू हुई। इसने सबसे पहले हुलिया लिखने की प्रथा इसी ने चालू करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने सैन्य प्रणाली में इतना सुधार किया, और साथ में ही इसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरुआत किया। घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत इस तरह किया कि घोड़ों को क्या होता था कि मान लीजिए जब घोड़ों को बड़ा सा राजा के किसी या सुल्तान के किसी जगह में नहीं रखा जाता था, जितने भी सैनिक है ना उनको, जो भी सैनिक को घोड़ा पर युद्ध करने वाले थे उनको घोड़ा दे दिया जाता था कि ले जाइए अपने घर पर, और उसको मतलब वेतन भी दिया जाता था कि घोड़ा का खाना खिलाने के लिए, उसको रखने के लिए उसको अलग से वेतन दिया जाता था, और सैनिक को अलग से वेतन कि जाइए इस घोड़ा को आप देखभाल कीजिएगा जब तक युद्ध ना हो, क्योंकि राजा के पास इतना रखने की जगह नहीं ना होगा कि राजा कितना घोड़ा को रखेंगे एक साथ नहीं ना, तो सब सैनिक अपने अपने पास लेकर जाते थे और रखते थे। तो क्या होता था युद्ध में सैनिक क्या करते थे, लाना है किसी और घोड़े को, ला किसी और घोड़े को देते थे। तो इसीलिए घोड़ा का पहचान हो पाए, इसीलिए घोड़ा को दागने की प्रथा चालू हुई। इसको बोलते हैं हुलिया और दाग प्रथा। हुलिया और दागने की मतलब हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखना, और घोड़ों को दागने की प्रथा इसी ने चालू करवाया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हुलिया और दाग प्रथा के बारे में थोड़ा समझ लिए, अब सैनिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब इसके थोड़ा आर्थिक सुधारों के बारे में भी समझ लेते हैं। इसने इसके सेना बहुत मजबूत हो गई थी, और इसके थोड़ा सा आर्थिक सुधार के बारे में समझ लेते हैं। इसने आर्थिक सुधार क्या क्या किए, आर्थिक सुधार यहीं पर लिख देते हैं, दिखाई देगा। आर्थिक सुधार में इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले लागू किया। क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या होता था ये भी थोड़ा समझ लीजिए, दिखाई देगा ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब इसमें क्या था बाजार नियंत्रण प्रणाली में, इसमें ये था कि जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं आम लोगों के लिए, सैनिकों के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं, उन वस्तुओं के दाम ना बढ़ाया जाए, उन वस्तुओं के दाम एक नियंत्रित रखा जाए, और नियंत्रित इस तरह से रखा जाए कि मतलब उनका कम वेतन में भी सैनिकों का काम खर्च चल सके। मान लीजिए महंगाई ज़्यादा हो जाएगा, वेतन कम होगा, तो फिर सैनिक कैसे रह पाएंगे? इसीलिए इसने क्या किया, बाजारों को ही भाव एकदम लिमिट रख दिया
कि कम वेतन में भी सैनिकों का क्या हो सके, काम चल सके, और इसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किया और वो ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया जो कि ये देख सके कि बाजार का भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना भाव होना चाहिए ताकि सैनिकों का अच्छा से घर चल सके, उनका खर्चा अच्छा से चल सके। इसलिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया, ठीक है। साथ में जागीरदारी प्रथा को इसने खत्म कर दिया। इसने क्या किया, जागीरदारी प्रथा की क्या होता था, पहले सैनिकों को जागीर दिया जाता था कि लीजिए इतना जमीन ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो इसने पहले तो सैनिकों को नगर वेतन देना चालू किया, ये सब खत्म कर दिया। और जो भी सैनिक को पहले से जमीन दे दिया गया था उन सैनिकों से ये इसने नियम लगाया कि उन सैनिकों की मृत्यु होने के बाद वो जमीन उनके परिवार वालों को नहीं होगा, अब वो जमीन किसके पास आ जाएगा, वापस सुल्तान के पास आ जाएगा। तो यहां से जागीरदारी प्रथा भी इसने खत्म कर दिया। साथ में इसने कर प्रणाली पर बहुत ही कठोरता किया, कर प्रणाली पर कठोरता क्या किया कि कर जो वसूलने की जिम्मेवारी सैनिकों को देता था, जो कि बहुत ही कठोरता पूर्वक क्या करते थे, कर वसूलते थे। तो ये भी इसका कठोरता पूर्वक कर वसूलने का भी कार्य था। तो इतना कुछ हम लोगों को समझ में आ गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके बाद इसकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, बाकी तीन गो और आए, तीन और इसके बाद शासक आए, लेकिन वो बहुत ही कमजोर कमजोर थे। और इस वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन खुसरो था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो, नसीरुद्दीन खुसरो खुसरो, ये बहुत ही अयोग्य शासक था। इस ये अलाउद्दीन खिलजी की तरह ये आगे वाले शासक योग्य ना हुए, और योग्य ना हुए तो क्या होगा, वहीं से काम खत्म हो जाएगा। नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो था वो इतना योग्य नहीं था, तो इसको क्या किया गयासुद्दीन तुगलक ने, क्या किया गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने इसको क्या किया, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने इसको इसको मार दिया नसीरुद्दीन खुसरो को, और इसने अपना यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। और इसके बाद हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से खिलजी वंश खत्म हो गया और तुगलक वंश शुरू हो गया। तो हमें तो समझ में आ गया होगा, ये पूरी तरह से खिलजी वंश खत्म हो गया तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।